बस आप लोग प्रे करो कि यार हमें येलो डॉलर वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए। देख रहे हो पूरी कीचड़ में चली गई है बाइक, आराम से निकालना। ओ भाई कीचड़ देखो, ओ शिट, मिसिंग कर रहा है यार बहुत। गाइस ये मिसिंग कर रहा है यार बहुत ज्यादा, पकड़ ही नहीं रहा है, रेस ही नहीं पकड़ रहा है यार, रेस ही नहीं पकड़ रहा है। गाइस देख रहे हो यहाँ पे दो भूतिया टनल्स है, इसमें बैट्स ही बैट्स होते हैं। अगर आपको वहां पे दिख रहे हो उधर ऊपर बैट्स है, तो चलो अभी अंदर चलते हैं, मैं वाइजर बंद कर लेता हूँ, नहीं तो वाइजर में चला जाएगा कोई। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, होप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल आर्यन ब्लॉग्स। तो कैसी मेरी YouTube फैमिली, होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस देखो आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं से अपने रूम से। सो फाइनली गाइस आप लोगों ने कल की वीडियो तो देख ली होगी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे येलो डॉलर वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस मैंने अभी तक कल वाली वीडियो अपलोड नहीं की है, तो देखते हैं यार उस वीडियो पे क्या रिजल्ट रहता है। बस आप लोग प्रे करो कि यार हमें येलो डॉलर वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो गाइस आज का ऐसा सीन है कि आज का भी हमारा ब्लॉग KTM R6 390 पे होने वाला है। गाइस मैंने सोचा था कि आज हल्क पे ब्लॉग बनाऊंगा, पर यार आज भी हमारा O2 सेंसर नहीं आ पाया है। पता नहीं उसको इतना डिले क्यों हो रहा है यार, मेरे को नफील ने बोला था कि परसों आ जाएगा, पर गाइस आज भी हमारा O2 सेंसर अवेलेबल नहीं है। तो गाइस आज भी हम हल्को नहीं ले जा सकते, पर यार मुझे हल्को कोल्ड स्टार्ट करना है, बिकॉज हल्क इतने दिनों से एक ही जगह पे लगा हुआ है, उसको मैंने कोल्ड स्टार्ट भी नहीं किया हुआ है। तो गाइस देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या होने वाला, क्या पता आज भी हम ऑफ रोड करने जाए, पर आपको मजा बहुत आएगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताना हमारी वीडियो कैसी बनी है। तो चलो गाइस मैं जल्दी से राइडिंग गियर वगैरह पहन लेता हूं, तो सीधा मिलता हूं आपसे GoPro में। सो फाइनली गाइस यहां पे चेक करो, यहां पे लगा अपना हल्क। तो चलो यार इसको जल्दी से कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। एंड गाइस आज अच्छी सी धूप निकली हुई है यार, कल बहुत बारिश हो रही थी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी बारिश में। तो गाइस ये चेक करो, हमारा मॉन्स्टर कोल्ड स्टार्ट हो चुका है। टायर कितना खतरनाक लग रहा है देख रहे हो गाइस, इस टायर पे मैंने एक व्हीली भी नहीं मारी है, क्योंकि यार आप लोगों को तो पता है हमारे हल्को क्या सीन हो गया था, मिसिंग करने लगा था O2 सेंसर के बिना। तो इसको जल्दी से कोल्ड स्टार्ट करते हैं, फिर निकलते हैं अपनी KTM को लेके। तो मैं तब तक KTM को भी कोल्ड स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे लगी है हमारी दोनों KTMs, तो चलो इनको भी जल्दी से कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। ओ भाई मुझे लगी, भाई क्या सीन हो रहा है। तो गाइस ये चेक करो, हमने अपनी KTM को भी कोल्ड स्टार्ट कर दिया। एंड गाइस ये चेक करो कितनी खतरनाक लग रही है पीछे से, देख रहे हो खतरनाक लुक आ रही है ना। आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। आज अच्छी धूप निकली है यार, देख रहे हो क्या बात है। गाइस ये वाली जो हमारी KTM है, इसको भी मैंने नंबर प्लेट लगानी है, इसका तो पूरा सिस्टम ही निकाल दिया हुआ है भाई नीचे से, तो इसको भी जल्दी नंबर प्लेट इंस्टॉल करवा लूंगा मैं। गाइस जब मैं इसको रैप करवाने के लिए दूंगा ना, इसका भी रैप साथ में हम करवाएंगे, व्हाइट वाला रैप। यहाँ पे ऊपर व्हाइट वाला रैप करवाना है वापस मैंने, बिकॉज देख रहे हो यहाँ से पूरा फट गया यार, इसकी बहुत बुरी हालत है। ये बेचारी पता नहीं कितने दिनों से ऐसी लगी हुई है यहाँ पे, धूल मिट्टी देख रहे हो इसके ऊपर कितनी धूल मिट्टी है। तो इसको भी अच्छे से वॉश करवाऊंगा मैं, फिर इसका भी काम करवाना है हमने। तो चलो यार अभी अपना हल कोल्ड स्टार्ट हो गया होगा, तो उसको बंद कर लेते हैं। एक दो बारी रेव करके देखता हूँ मिसिंग तो नहीं कर रहा है, कोल्ड स्टार्ट हुआ है कि नहीं। अभी एक ही बार आया है, अभी टाइम है कोल्ड स्टार्ट होने में। सो गाइस जब तक हमारा हल कोल्ड स्टार्ट होता है, तब तक मैं राइडिंग ग्लव्स पहन लेता हूँ यार। मेरे को भी चेंज लग रही है आवाज चेंज हुई है यार इसकी। गाइस कोल्ड स्टार्ट हो गया, तो चलो यार रेव करके देखते हैं। मिसिंग कर रहा है यार बहुत, गाइस ये मिसिंग कर रहा है यार बहुत ज्यादा, पकड़ ही नहीं रहा है, रेस ही नहीं पकड़ रहा है यार, रेस ही नहीं पकड़ रहा है। गाइस पता नहीं क्या सीन हुआ है यार इसको, बिल्कुल भी रेस नहीं पकड़ रहा यार। गाइस अब पता नहीं क्या इशू है यार, मुझे समझ नहीं आ रही है, जब तक दिखाएंगे नहीं पता कैसे चलेगा क्या हुआ है। गाइस हल्क में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है यार, इसको चेक करवाना पड़ेगा। पर कावासाकी वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, ऑटो सेंसर क्यों नहीं ला रहे हैं। तो चलो यार ये वाली बाइक कोल्ड स्टार्ट हो गई है, तो इसको बाहर निकालते हैं, रात को मैंने इसको फुल करवा लिया था। सो फाइनली गाइस ये चेक करो, अभी हम पहुंच चुके हैं सिधरा वाली रोड पे। एंड गाइस मुझे हल्की इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है ना, मुझे समझ नहीं आ रही है यार उसको हो क्या गया है। गाइस जब से मैंने बाइक लिया ना, मुझे एक बार भी प्रॉब्लम नहीं आई यार, ये दो तीन दिनों से प्रॉब्लम शुरू हुई है, पता नहीं क्या सीन है। तो उसको अच्छे से चेक करवाएंगे हल्को। सो गाइस चलो अभी अपनी KTM को थोड़ा भगाते हैं यार, क्या बात है। कॉर्नरिंग चेक करो गाइस, मैं KTM को दो तीन दिनों से चला रहा हूँ यार, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें पावर कम हुई है, पता नहीं यार वहम हो रहा है या असली में हुई है, कोई पता नहीं है। गाइस जब आप सुपर बाइक चलाओगे ना एंड फिर लोअर सीसी की बाइक चलाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पावर कम हुई है। और चेक करो गाइस अपनी KTM की, क्या बात है, चेक करो क्विक शिफ्टर। क्या बात है, क्या बात है, पावर देख रहे हो एक नंबर है भाई। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं जे टाउन, फिर वहां पे डिसाइड करेंगे कि आज क्या करना है। गाइस मुझे इस बाइक का भी एक बार यार चेकअप करवाना है, इसमें मुझे पावर थोड़ी कम फील हो रही है यार, भाग नहीं रही है उस हिसाब से जिस हिसाब से भागती थी।
भाई आज मुझे पुरानी वाली KTM RC390 लानी चाहिए थी, वो बहुत गंदे तरीके से भागती है भाई, पर उसका टायर खत्म हो गया हुआ है ना, तभी मैं उसको चला नहीं रहा हूँ। उस पर एक अच्छा सा फायर बर्नआउट मार के हम टायर चेंज करेंगे। लीन चेक करो भाई, क्या बात है भाई, मजा ही आ गया। क्या पावर है ब्रो, इतनी स्मूथ बाइक है यार, मजा ही आ जाता है इसको चलाने का। सो फाइनली गाइस ये चेक करो, अभी हम पहुंच चुके हैं जे टाउन में। भाई बाकी दोस्त पता नहीं कहां पे पीछे रह गए, मैं बहुत तेज आया हूं। तो यार देखते हैं अभी क्या करना है, ऑफ रोड करना है कि क्या करना है। A few moments later. So guys, अभी ऐसा सीन है, अभी हम थोड़ा दूर जाने वाले हैं एक अच्छी सी लोकेशन पे ऑफ रोड करने के लिए। यहाँ पे बाइक चेक कर लो यार, आज बहुत सारी बाइक्स होने वाली है हमारे साथ, और जिप्सी भी जा रही है वहाँ पे, चेक करो वहाँ पे लगी है जीप। तो चलो यार अभी निकलते हैं, हंटर भी आ गई है रहा सैम, तो चलो करते एक अच्छा सा ऑफ रोड। गाइस मुझे ये समझ नहीं आती है, मैं जो भी चीजें ऑर्डर करता हूँ उनको आने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगता है। मैंने ये वाली बाइक के लिए भी रैप ऑर्डर किया, उसको भी बनने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, ना ऑटो सेंसर आ रहा है, हर चीज डिले हो जाती है यार मेरी। एंड गाइस जो हमारी पुरानी वाली KTM RC390 है उसकी मॉडिफिकेशन का भी सामान मैंने ऑर्डर किया हुआ है, मतलब आजकल वो ट्रेंड चला ना, वो व्हील के अंदर लगाते हैं वो व्हील कप जैसा, तो वो मैंने मंगाया हुआ है। सो गाइस लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, हंटर को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ये ठीक करवा ली। क्या इशू हुआ था? ओ भाई ठुक गए थे हम, इधर आके बताओ, इधर आके क्या हुआ था? जब हम नीचे गिरे थे ना तो प्रेशर से गिरी थी, और जो उसका रेस वाला जो हैंड ग्रिप होता ना वो टूट गया था, फिर उसके बाद ना हमने ना जगदम रेस दे दी ना, तो रेस वाली वायर। अच्छा हैंड ग्रिप टूटी थी, एक्सेलेरेटर वायर ठीक थी? एक्सेलेरेटर वायर भी खराब, मैंने बोला था ना तेरे को वो खराब होगी। गाइस मुझे पता था इसकी एक्सेलेरेटर वायर में प्रॉब्लम हो गई है, चलो अब ठीक है ना। चलो गाइस फिर चलते हैं, अभी हम ऑफ रोड करने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस आई गेस हमें यहाँ से नीचे जाना है, तो बाकी होगा वेट करते हैं यार, बाकी आए नहीं अभी, चार पांच बाइक्स ही आई है यहाँ पे, चार भी नहीं है, हाँ चार है, एक दो तीन चार, गाइस अभी चार बाइक्स आई है, बाकी सारे पीछे रह गए हैं, तो उनका वेट करते हैं। यहाँ पे मैं बाइक लगाता हूँ, देख रहे हो गाइस लुक चेक कर रहे हो अपनी KTM की, क्या खतरनाक लुक आ रही है, यहाँ से चेक करो कितनी खतरनाक लग रही है। सो फाइनली गाइस यहाँ पे अपने सारे लोंडे आ चुके हैं और जीप भी आ चुकी है वहाँ पे, तो चलो यार अभी निकलते हैं यहाँ से। गाइस मैं इधर ही ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देता हूँ, बिकॉज अंदर जाके मुझे बहुत दुख देने वाला है, मुझे पता है। सो गाइस चलो अभी अपना स्पोर्ट्स मोड ऑन करते हैं, इनको अंदर कर लेता हूँ, बिकॉज इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। ये क्या कर रहा है भाई, देख रहे हो गाइस लोकेशन की बहुत बुरी हालत है, इसने ब्रेक पता नहीं क्यों मार दी, क्या हो गया भाई, बंदे ने गिव अप कर दिया। ओए क्या किया यार भाई, क्या बंदा है यार ये, गाइस देख रहे हो क्या हालत कर दी यार इसने, देख रहे हो गाइस, इसको गंदा करूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं इसको अब। ओए भाई कर क्या रहा है यार, गाइस क्या खतरनाक ट्रैक है ना यहाँ पे। ओए भाई वो चाहता क्या है, ये चाहता क्या है, ये देखो गाइस लोड यार, इन्होंने गांधी डाल दिया है यार, कीचड़ जा रहा है यार, क्या कर रहे हो भाई भाई कीचड़ कीचड़ हो गया भाई गाइस मैंने ट्रैक ही चेंज कर लिया गाइस सामने चेक कर रहे हो कितने भूतिया टनल है, तो अभी हम भूतिया टनल में जाने वाले हैं। एंड गाइस हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है ना, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। गाइस देख रहे हो यहाँ पे दो भूतिया टनल है, इसमें बैट्स ही बैट्स होते हैं, अगर आपको वहां पे दिख रहे हो उधर ऊपर बैट्स है, तो चलो अभी अंदर चलते हैं, मैं वाइजर बंद कर लेता हूँ, नहीं तो वाइजर में चला जाएगा कोई गाइस वाइजर में कीचड़ कीचड़ हो चुका है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, और भाई मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है यार, भाई देख रहे हो कितनी भूतिया जगह है यार, बहुत भूतिया जगह है। ओहो हो हो भाई इधर गिरू ना भाई कितनी ज्यादा स्कीड हो रही है ना, मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को, देख रहे हो गाइस बाइक कैसे चल रही है,
अबे भाई गिर गए, उठ। देख रहे हो पूरी कीचड़ में चली गई है बाइक, आराम से निकालना। ओ भाई कीचड़ देखो, ओ शिट। वहीं पे रख। क्या हुआ? ओ गाइस कूलेंट लीक हो गया, गाइस यहाँ पे चेक कर रहे हो, यहाँ पे बाइक का कूलेंट निकल गया यार। इतना खतरनाक ऑफ रोड कर रहे हैं ना अभी, हमें क्या बताऊंगा आप लोगों को। बाइक्स की हालत चेक करो गाइस, देख रहे हो बाइक्स की हालत, देख रहे हो ये देखो बाइक्स की हालत, देखो देखो बुरी हालत है यार, बुरी हालत है। इतना गंदा ऑफ रोड, ओ और मेरी बाइक गिरा दी है यार, क्या कर रहे हो यार तुम लोग यार, यार कैसे लगाई जेपी तूने यार, यार बाइक गिरा दी यार, मिट्टी है ना सारी, क्या कर रहे हो यार, हाँ ये हो क्या रहा यार। गाइस यहाँ पे इतनी ज्यादा मिट्टी है ना, कीचड़ ही कीचड़ है यार, अंदर धस जा रही है बाइक्स, पत्थर पत्थर ले। सो गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ड्यूक 250 आ रही है। भाई चाहता क्या है, मेरे को उड़ाना है। ये देखो गाइस मेरी हेलमेट की हालत देख रहे हो गाइस, ये मेरी मोटो व्लॉगिंग हेलमेट है। ये देखो कीचड़, देखो गाइस ये देखो कीचड़, कीचड़ दिख रहा है गोप्रो के ऊपर, कीचड़ ही कीचड़ हो गया। ये देखो हालत, देखो देखो हालत, ये देखो हालत देख रहे हो गाइस, ये हालत है हमारी बाइक्स की। गाइस ये चेक करो व्यू, यहाँ के ट्रेन जा रही है, देख रहे हो गाइस, आए 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 आए, क्या बात है, देख रहे हो। ओ यहाँ गाड़ी फंस गई, हम निकाल से नहीं था, उससे निकलेगी। गाइस गाड़ी फंस गई यहाँ पे, देख रहे हो ऑल्टो फंस गई है भाई, ऑल्टो फंस गई है गाइस, कीचड़ में एक्सट्रीम ऑफ रोड गॉन रॉन्ग। सो गाइस ये आ रही है जीप रेस्क्यू के लिए, ये चेक करो गाइस, अभी टोइंग बेल्ट लगाएंगे ना उसके नीचे, फिर देखना कितनी आराम से निकल जाएगी जिप्सी, तो आराम से निकाल लेगी इसको। ये देखो यार फ्रंट टायर पूरा पानी में, देख रहे हो पूरा पानी में फ्रंट टायर गाइस, ये देख रहे हो अब जिप्सी खींचेगी इसको, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ओ ये देख रहे हो गाइस, देख रहे हो कितने आराम से निकल गई, क्या बात है गाइस, जिप्सी ने तो मजाक मजाक में निकाल दिया यार, यहाँ 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 रिकॉर्ड हो रहे हो आप। गाइस मेरे सेटअप की हालत चेक कर रहे हो आप, ये देखो पास से क्या हालत है इसकी, देख रहे हो कीचड़ कीचड़ हो गया यार, बाइक की हालत देखो। A few moments later, गाइस बाइक बहुत गंदे तरीके से कीचड़ में फंस गई है यार, बाहर ही नहीं आ रही, अब करें क्या, ऐसे और फंस जाएगी। गाइस बहुत गंदे तरीके से बाइक फंसी है, पता नहीं अब कैसे निकलेगी। ऐसा ऑफ रोड आप लोगों ने देखा है कमेंट करके बताना। देख रहे हो भाई कैसे फंसी हुई है यार, ओ भाई साहब निकल गई गाइस, निकल गई गाइस, क्या बात है, वेरी नाइस गाइस। बाइक की हालत देख रहे हो, बाइक की हालत देख रहे हो तुम लोग, गाइस देख रहे हो कीचड़ से हालत देख रहे हो, पहचान ही नहीं जा रही है कौन सी बाइक है। गाइस अभी आप लोगों ने देखा क्या खतरनाक ऑफ रोड हुआ भाई, ये देख रहे हो हंटर की हालत, क्या हालत है भाई इनकी देख लो भाई, मेरी खुद बहुत बुरी हालत है। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से भाई, ये क्या हो रहा है इसको, ओ भाई भाई ये क्या था भाई, ये क्या हुआ गाइस, ये क्या हुआ, ओ ये क्या था भाई, ये